गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन माई लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स. नाउ टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट वेरियस कंडेंसेशन पॉलीमर्स. इन कंडेंसेशन पॉलीमर्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स. कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपके जैसे कि वाटर, एल्कोहल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपके एलिमिनेट होंगे. एडिशन में एज सच ऐड हो जाते हैं मोनोमर यूनिट्स और कोई साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होता. ठीक है, तो जो ये पॉलीमर्स बनेंगे कंडेंसेशन से, उसमें जनरली जो मोनोमर यूनिट होती है उसके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो होंगे. वो बाई फंक्शनल भी हो सकते हैं, पॉली फंक्शनल भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट पॉलीएमाइड्स. पॉलीएमाइड्स क्या होंगे? दीज आर द पॉलीमर्स विच हैव एमाइड लिंकेजेस, जिनमें एमाइड लिंकेज, एमाइड समझते हो ना, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच लिंकेज जिसमें होगी. तो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाई बेसिक एसिड विद डाई एमीन्स और देयर इक्विवेलेंट्स. वो जो डाई एमीन्स हैं वहाँ पे आर ग्रुप, एच हटा के आर ग्रुप भी लगा हो सकता है. तो डाई एमीन्स और डाई बेसिक एसिड आपको लेने हैं, तो आपका जो पॉलीमर बनेगा दैट विल बी पॉलीएमाइड, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एमाइड लिंकेजेस प्रेजेंट होंगी. ठीक है, तो पॉलीएमाइड्स में हम नाइलॉन्स की बात करेंगे. इनको हम नाइलॉन्स भी बोलते हैं. नाइलॉन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एन वाई यहाँ पर जो है दैट स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क एंड एल ओ एन स्टैंड्स फॉर लंदन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर प्रिपेयर्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन, दैट्स वाई दीज पॉलीएमाइड्स आर आल्सो कॉल्ड नाइलॉन्स. तो नाइलॉन्स हम तीन टाइप के यहाँ करेंगे. फर्स्ट इज नाइलॉन 6-6 बोलते हैं इसको. 6-6 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स हैं उन दोनों मोनोमर यूनिट्स के अंदर 6-6 कार्बन एटम प्रेजेंट है. ठीक है, क्या मोनोमर यूनिट हैं इसकी? एडिपिक एसिड, देखिए दिस इज एडिपिक एसिड, COOH, CH2, 4 COOH, तो टोटल 6 कार्बन एटम हो गए. देन सेकेंड मोनोमर यूनिट इज दिस हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, NH2, CH2, 6 NH2, तो 6 इसमें कार्बन एटम है और 6 ही कार्बन एटम आपके इसमें हैं, तो आपके इसी वजह से हम इसको 6-6 बोलते हैं. तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन को जब आप 525 केल्विन तक हीट करेंगे अंडर प्रेशर, देन वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से एन मॉलिक्यूल्स आप एडिपिक एसिड के लेंगे, एन मॉलिक्यूल्स आप हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के लेंगे, और आपका क्या होगा, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एलिमिनेटेड. दोनों तरफ आपने चेन कॉन्टिन्यू रखनी है, चेन कॉन्टिन्यू दोनों तरफ रहेगी. यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH2 4, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से वाटर निकला, ये NH हो जाएगा आपका, CH2 6 NH, और चेन दोनों तरफ कॉन्टिन्यू. तो दिस पॉलीमर इज नाइलॉन 6-6. ठीक है, वट आर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नाइलॉन 6-6? दीज फाइबर्स आर वेरी टफ, बहुत टफ होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एंड दे आर एब्रेजन रेजिस्टेंट. जो नाइलॉन का कपड़ा है ना वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता और इलास्टिक भी होता है. नाइलॉन्स के कपड़े आपने देखे होंगे, स्पेशल आपने सॉक्स वगैरह देखी हैं, तो इलास्टिक कैरेक्टर आपका उनके अंदर होता है. ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हो आप इनको. तो वेयर दे आर यूज्ड? दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कारपेट्स, टेक्सटाइल फाइबर्स एंड ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस. जो आपके ब्रशेस के ब्रिसल्स होते हैं ये भी आपके नाइलॉन 6-6 के बने होते हैं.
दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग विमेन्स स्टॉकिंग्स, जो हमारी सॉक्स होती हैं लंबी. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बियरिंग्स एंड गेयर्स. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलास्टिक होजरी. ठीक है, जो इलास्टिक होजरी होती है वो नाइलॉन 6/6 की आपकी बनी होती है. नेक्स्ट पॉलीएमाइड इज नाइलॉन 6/10. नेम से ही पता चल रहा है. अब आपका एक मोनोमर यूनिट के अंदर 6 कार्बन एटम होंगे, वो सेम है आपकी जो पीछे थी, हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन. बस एसिड चेंज हुआ है, वहाँ एसिड था उसके अंदर 6 कार्बन एटम थे, एडिपिक एसिड था आपका. यहाँ 10 कार्बन एटम होंगे, सीबेसिक एसिड हम उसको बोलते हैं. देखिए COOH CH2 8 COOH, तो 10 कार्बन एटम है, बाकी सब सेम है. वही आप लेंगे n मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, n मॉलिक्यूल्स ऑफ सीबेसिक एसिड, पॉलीमराइजेशन कीजिए और आपका क्या बन जाएगा, नाइलॉन 6/10 आपका बन जाएगा. कहाँ यूज़ करते हैं इसको? इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर जिप, फास्टनर्स, गियर्स, कैम्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, केबल, जैकेट्स एंड फिलामेंट्स फॉर ब्रशेस. हम इससे नाइलॉन 6/10 से प्रिपेयर करते हैं. द नेक्स्ट इज नाइलॉन 6. नाइलॉन 6, अब नेम से ही पता चल रहा है, एक ही मोनोमर यूनिट होगी और उसके अंदर कितने कार्बन एटम होंगे, 6 कार्बन एटम होंगे. नाइलॉन 6 का ट्रेड नेम जो है वो होता है परलोन. परलोन, ठीक है. मोनोमर यूनिट इसके अंदर होती है कैप्रोलेक्टम. कैप्रोलेक्टम, तो कैप्रोलेक्टम को हमें बनाना होता है साइक्लोहेक्सेन से. क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन लिया, उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, साइक्लोहेक्सेनॉन में चेंज हो जाएगा वो. साइक्लोहेक्सेनॉन की हाइड्रोक्सिलेमीन से ट्रीट करना है, ऑक्साइम बना लेना है. देन उस ऑक्साइम को अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर बैकमेंस रीअरेंजमेंट हो जाएगा. क्या होता है बैकमेंस रीअरेंजमेंट, ये जो NOH ग्रुप है आपका रिंग में शिफ्ट हो जाएगा. यू विल इन जनरल गेट दिस यूनिट, दिस यूनिट, दिस इज नोन एज कैप्रोलेक्टम. ठीक है, दिस कैप्रोलेक्टम इज मोनोमर यूनिट इन केस ऑफ नाइलॉन. ठीक है, क्या होता है जब आप कैप्रोलेक्टम को हीट करते हैं विद ट्रेसेस ऑफ वाटर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट हाइड्रोलाइजेस टू गिव यू एप्सिलॉन एमिनो कार्बो कैप्रोइक एसिड. एप्सिलॉन जो NH2 की पोजीशन है ग्रुप की, वो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड के विद रिस्पेक्ट से एप्सिलॉन पे है. पहला अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड देन एप्सिलॉन. देखो बीच में आपके पांच कार्बन एटम है, CH2 5. तो दिस इज एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड. ये एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड को जब आप हीट करते हैं तो इसमें पॉलीमराइजेशन हो जाती है एंड यू विल गेट NHCH2 5 CO N यूनिट्स, विच इज़ नोन एज नाइलॉन 6. ठीक है, तो नाइलॉन जो 6 है आपका, इसके ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए और माउंटेनियरिंग की रोप्स बनाने. जो माउंटेनियर्स अपने साथ रोप्स लेके जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना वो, दैट इज़ मेड अप ऑफ नाइलॉन 6. तो ये हमारे 3 पॉलीएमाइड्स थे. नेक्स्ट है पॉलिस्टर्स. पॉलीएस्टर, नेम से ही पता चल रहा है, बहुत सारी एस्टर लिंकेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होंगी. ठीक है, और ये कैसे बनते हैं? ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं डाई एसिड्स के विद डाईओल्स. पॉलीएमाइड्स में डाई एमीन्स होते हैं, यहाँ डाईओल्स होते हैं. डाई एसिड दोनों में कॉमन होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिस्टर इज पॉली इथाइलिन टेरीथैलेट, PET बोलते हैं, पी पॉली ई इथाइलिन टी टेरीथैलेट, पेट. टेरिलिन भी इसको बोलते हैं, डेक्रॉन भी और माइलर भी, ये सारे इसके ट्रेड नेम हैं. तो कैसे बनाना है ये आपको डेक्रॉन? कंडेंसेशन
करनी है आपको इथाइलीन ग्लाइकोल की विद टेरिथैलिक एसिड एट 420 टू 460 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। देखो ये आपकी रिएक्शन है, दिस इज इथाइलीन ग्लाइकोल, दिस इज टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड क्या होता है, जिसमें आपके दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो बेंजीन रिंग पे पैरा पोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हीट किया, क्या होगा, वाटर निकालना है आपने, यहाँ से चेन कंटिन्यू, ओ सी एच टू, सी एच टू यहाँ वाटर निकाला, सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ चेन कंटिन्यू, ठीक है। दिस इज नोन एज टेरिलिन और डेक्रोन, जो कि हमने किससे बनाया, ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड से। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज़ हाईली क्रीज रेजिस्टेंट। जो टेरिलिन के कपड़े बनते हैं, जो फैब्रिक्स हम बनाते हैं, उसकी क्रीज खराब नहीं होती, कैसे ही मोड़ तोड़ के रख लो आप वैसा ही रहता ही है, ठीक है। बहुत ड्यूरेबल है ये, और इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। टेरिलिन का कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है, आप धोइए और सुखाइए उसको, एकदम से सूख जाता है। एंड इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय पेस्ट। पॉलिस्टर आप पहनते हैं घर में, यूज़ करते हैं, वो उस पर कभी कीड़ा भी नहीं लगता, और सबसे ख़ास बात उसकी प्रेस भी ख़राब नहीं होती, और ख़ास बात कि धोकर जब आप सुखाते हैं तो वो तभी आपका एकदम से ड्राई हो जाता है। कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, पेट को, पेट बॉटल्स, आपने सुनी होगी बॉटल्स पे कई बार लिखा होता है पेट, तो ये बॉटल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वॉश एंड वियर फैब्रिक्स, टायर कोड्स बनाने के लिए, सीट बेल्ट्स के लिए, सेल्स के लिए, जो जहाज़ पे जो कपड़ा लगता है। देन इट इज़ आल्सो यूज टू मेक मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स। क्यों मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स बनाते हैं, क्योंकि इट इज़ रेजिस्टेंट टू टीयर, एब्रेजन रेजिस्टेंट है ये, एंड इट इज़ आल्सो रेजिस्टेंट टू अल्ट्रावायलेट डिग्रेडेशन। जो यूवी रेडिएशंस होती हैं उसके साथ ही डिग्रेड नहीं होता, ठीक है। तो इसी वजह से जो माइलर टेप्स आपने सुना होगा कि माइलर फिल्म है ये, ठीक है, तो माइलर इज टेरिलिन, डेक्रोन, एक ही बात है ये सब, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉलिस्टर था टेरिलिन। सेकंड इज ग्लिप्टल। ग्लिप्टल इज पोली इथाइलिन थैलेट, थोड़ा सा चेंज है बस उससे, उसमें जो भी ऊपर हमने डेक्रोन किया उसमें ग्लाइकोल के साथ टेरिथैलिक एसिड कंडेंस करना है आपको, लेकिन ग्लिप्टल में ग्लाइकोल के साथ थैलिक एसिड लेना है। देखिए दिस इज थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड में क्या होता है, जो दो COOH ग्रुप होते हैं आपके दैट आर एट ऑर्थो पोजिशन, इतना सा चेंज है, ठीक है। पॉलीमर अब आप बना सकते हैं, ओ सी एच टू, सी एच टू ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और नीचे आपने ऑर्थो पोजिशन पर आपने रिंग बनानी है, ठीक है। तो ग्लिप्टल में डायोल विद थैलिक एसिड, और डेक्रोन में डायोल विद टेरिथैलिक एसिड। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज थर्मोप्लास्टिक इन नेचर एंड इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेंट्स एंड लीकर्स, लैकर्स, जो पेंट्स वार्निशेज में यूज़ होते हैं ना, लैकर्स, तो वो आपका इसको बनाने में यूज़ होता है ग्लिप्टल। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरीज रेजिन्स। रेजिन्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या आपका होगा मोनोमर यूनिट, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को आप एसिड या बेस की प्रेजेंस में कंडेंस कर सकते हैं, और आप लीनियर पॉलीमर भी बना सकते हैं और ब्रांच्ड पॉलीमर भी बना सकते हैं। लीनियर पॉलीमर अगर आप बनाते हैं तो उसका नाम होता है नोवोलैक, और अगर आप ब्रांच्ड पॉलीमर बनाते हैं तो दैट इज़ बेकेलाइट। यूजेस बता देती हूँ मैं अभी आपको। सॉफ्ट बेकेलाइट आपका वार्निशेज और लैकर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। हार्ड बेकेलाइट आपका जो बनता है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, हाईली क्रॉस लिंक्ड है, वाटर रेजिस्टेंट होता है वो,
इसी वजह से दैट इज़ यूज टू मेक कॉम्ब्स, कंघी जो हमारी होती हैं, टेबल टॉप्स बनाने के, फॉर्मिका के टेबल टॉप्स आते हैं, फाउंटेन पेन के बैरल्स बनाने में, इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाने में, ठीक है, स्विचेस बनाने में, प्लग्स बनाने में, जितने हमारे ये घर में स्विच बोर्ड लगे होते हैं, प्लग्स लगे होते हैं, ये सारे के सारे हमारे बेकेलाइट के बने होते हैं। नाउ देखो कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आपको दोनों की रिएक्शन करनी है। आपका जो CH2OH ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और पैरा पे। अगर आप ऑर्थो के N मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन से लीनियर पॉलीमर बनेगा। ये आपका लीनियर पॉलीमर मैंने दिखाया, दिस इज नोवोलैक, ठीक है। और अगर आप ऑर्थो और पैरा दोनों की NN यूनिट कंबाइन करते हैं, देखिए ऑर्थो की N एंड पैरा की N, तो उस टाइम आपका ये जो पॉलीमर बन रहा है, देखो हाईली ब्रांच्ड है ना, ये एक क्रॉस लिंक्ड थ्री डायमेंशनल हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर मिलेगा, जो कि आपका क्या बनता है, बेकेलाइट। द नेक्स्ट इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। नाम से ही पता चल रहा है, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड आपके कंडेंस होंगे, वही इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस हो सकते हैं आपके, तो बीच में इंटरमीडिएट आपके बनते हैं इस रिएक्शन में, मोनोमिथाइल यूरिया एंड डाईमिथाइलॉल यूरिया, वो आपके कंडेंस होंगे आपस में दोनों यूनिट्स। अगेन अगेन आप फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया डालते जाएंगे उनके ऊपर, एंड फाइनली यू विल गेट यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। एंड दिस यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लेमिनेट्स, एडहेसिव्स, किचन वेयर्स, ट्रेज बनाने में, एंड इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द श्रिंक रेजिस्टेंस ऑफ कॉटन। कॉटन का कपड़ा बहुत जल्दी श्रिंक होता है ना, तो उसके अंदर हम ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन अगर मिला दें तो उसकी श्रिंकिंग जो पावर है वो कम हो जाती है। इसी तरह वूल में भी हम इसको ऐड करते हैं। तो दिस इज़ प्रिपरेशन। क्या करना है आपको, यूरिया लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो पहले आपका मोनोमिथाइल और डाईमिथाइलॉल यूरिया बन जाएगा, उनके एन मॉलिक्यूल्स आपके आप इसके ऊपर कंडेंस करते जा रहे हैं, फाइनली यू विल गेट योर दिस पॉलीमर विच इज़ नोन एज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये हमारा सेकेंड रेजिन था। थर्ड इज इपोक्सी रेजिन्स। इपोक्सी रेजिन्स क्या होते हैं, दे आर ऑब्टेंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 1-2 इपोक्साइड्स। तो सिंपलेस्ट इपोक्साइड हमारा होता है इथाइलिन ऑक्साइड। तो इथाइलिन ऑक्साइड की पॉलीमराइजेशन हम करेंगे तो हमारा ये जो है पोली ऑक्सी मिथाइलिन ग्लाइकोल, ये इपोक्सी रेजिन का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये बनेगा, दीज आर ऑब्टेंड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड इन वाटर और ग्लाइकोल एज सॉल्वेंट। ये जो पॉलीमर्स बनते हैं ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं और लुब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये रिएक्शन है, देखिए ये आपका इपोक्साइड हो गया इथाइलिन ऑक्साइड, NaOH के साथ वाटर और ग्लाइकोल सॉल्वेंट लेना है आपने, ठीक है। तो ये आपका ग्लाइकोल जो है Na में चेंज हो जाएगा बेसिक मीडियम में, ये इपोक्साइड के ऊपर एक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये वाली यूनिट बन जाएगी और इस यूनिट के ऊपर आप बार बार इपोक्साइड डालते जाएंगे जब तक कि आपका पॉलीमर, ये आपका है पोली ऑक्सी मिथाइलिन ग्लाइकोल ना बन जाए। चेन आप वहीं पे स्टॉप करेंगे जितने कार्बन एटम आप पॉलीमर में चाहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इपोक्सी रेजिन्स। देन नेक्स्ट इज पॉलीयूरीथेन्स। तो नेम से ही पता चल रहा है मोनोमर यूनिट इसमें रहेगी यूरीथेन। यूरीथेन क्या होता है, यूरीथेन इज एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड।
कार्बेमिक एसिड आपका होता है RNHCOOH, तो बहुत ही अनस्टेबल होता है ये, एमीन्स में और CO2 में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका एस्टर बना दें RNH, देखिए RNHC OR, अगर H होता है यहाँ R की जगह तो ये कार्बेमिक एसिड था, H हटा के आपने R लगा दिया, तो दिस इज़ एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड, जिसको कि हम यूरीथेन बोलते हैं। तो ये यूरीथेन अब बहुत स्टेबल होता है। इस यूरीथेन की हमने पॉलीमर बनाना है, कार्बामेट लिंकेजेस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, यूरीथेन लिंकेजेस जिसको आप कह सकते हो, देखो व्हाट इज यूरीथेन लिंकेजेस, ये लिंकेजेस OCONH, देखो OCONH लिंकेजेस जिसके अंदर पॉलीमर के अंदर प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ नोन एज पॉली यूरीथेन। तो यहाँ देखो दो लिंकेजेस मैंने शो की हैं, तो पॉली यूरीथेन इज पॉलीमर ऑफ यूरीथेन। तो कैसे आप इसको बना सकते हो, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपको करनी ही है, ठीक है। तो पॉलीमेरिक डायोल्स लेने हैं, ये डायोल है, ये बीच में आपका पॉलीमर है, ये जो आपका यूनिट आपने पहले लिया, दिस इज आल्सो नोन एज प्री पॉलीमर, ठीक है। इस प्री पॉलीमर में लगभग कार्बन एटम आप थोड़ा डिसाइड करके ले सकते हो जितने आपको पॉलीमर में चाहिए। इस प्री पॉलीमर को आपने ट्रीट करना है विद टॉलविन 2,4-डाइआइसोसाइनेट। जब आप दोनों को कंडेंस करेंगे पॉलीमराइजेशन होगी और आपका ये बन जाएगा। अब इसमें देखिए आप लिंकेजेस हैं NHCOO लिंकेजेस, दिस NHCOO लिंकेजेस आर नोन एज यूरीथेन लिंकेजेस। तो ये जो पॉलीमर आपका बनेगा दैट विल बी पॉली यूरीथेन, ठीक है। ये देखो एक और मैंने पॉली यूरीथेन में आप ग्लाइकोल्स की जगह एस्टर्स भी ले सकते हैं, जो प्री पॉलीमर हमने लिया था, देखो ग्लाइकोल और एडिपिक एसिड को चेंज करके आपने पॉलिस्टर बना लिया। तो या तो आप लें डायोल्स या पॉलीएस्टर्स और दोनों के रिएक्शन करें विद टॉलविन 2,4-डाइआइसोसाइनेट, यू विल गेट पॉली यूरीथेन। एग्जाम्स में एक रिएक्शन से भी शो कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, पता होना चाहिए आपको। यू कैन टेक प्री पॉलीमर आपका पॉलीएस्टर भी हो सकता है और वो प्री पॉलीमर आपका डायोल भी हो सकता है विद पॉलीमर यूनिट, ठीक है। पॉलीयूरीथेन्स जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, दे हैव लो डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग इनमें ज़्यादा नहीं होती, इसी वजह से वो सॉफ्ट भी बनते हैं आपके और इलास्टिक भी होते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रेचेबल स्पेंडेक्स एंड लाइक्रा फाइबर, स्पेंडेक्स लाइक्रा फाइबर्स, इनकी होजरी बनती है हमारी, लाइक्रा की लेगिंग्स हमारी होती हैं, सॉक्स होती हैं, बाथिंग सूट्स बना सकते हैं हम इनसे जहाँ हमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा चाहिए। एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन पिलोज, फोम बैक्ड फैब्रिक्स, ठीक है, जहाँ फोम हमारा होता है, कार सीट्स होती हैं ना, वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो ये पॉलीयूरीथेन होते हैं ये रिजिड होने के साथ साथ लाइट वेट भी होते हैं, तो हम इनको थर्मल इंसुलेशन के लिए कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये आपके थे सारे के सारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जिसमें हमने पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर्स एंड रेजिन्स आपके डिस्कस किए। थैंक यू।